ऊंचाई है हमारा 14.5 इंच, साथी का नाप है हमारा 36.5 इंच, कमर है 32.5, शोल्डर है 12.25, बगल है 18.5 इंच, हाथ लंबाई 9 इंच है, हाथ चौड़ाई 12.5। ये हमें 36 के नाप का ब्लाउज सिलने जा रहे हैं कटोरी वाला, तो आप ध्यान से देख के। ये हमारा अस्तर, तो हमें पहले इसकी अस्तर की कटिंग करनी है। तो ये हमारा पूरा मीटर का अस्तर है, तो पहले हमें इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद और डबल करना है, यानी 4 फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारी बाजू की कटिंग करने जा रहे हैं, तो पहले हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ सिलाई के लिए रखना है, फिर यहाँ पे 9 इंच का नाप ले लेना है, तो यहाँ पे 9 का ले लिया, और फिर यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई के लिए हमें मार्जिन दे देना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल नाप हो गया 10 इंच, और फिर यहाँ पे हमें इसकी लंबाई दे देनी है, तो यहाँ पे हमारा 18.5 इंच था, तो यहाँ पे कपड़ा हमारा इतना ही है, तो मैं 9.5 पे निशान लगा रही हूँ, फिर देखते हैं हमारा कितना नाप आता है। और यहाँ से हमें 3.5 पे निशान लगा देना है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने 3.5 पे निशान लगाया। फिर यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे, तो यहाँ पे इस निशान को मिला देंगे। और यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, 2 निशान लगाना है, एक इंच पे, एक दूसरे इंच पे, तो यहाँ पे भी 2 निशान हो गए। और फिर इस निशान से इसको इस तरह से हमें गोलाई देनी है, तो ये हो गई हमारी गोलाई देके। और फिर हमें इसका नाप ले लेना है, तो हमारा कितना नाप निकल रहा है हम देख सकते हैं, ये 9.5, ये 10 हो गया, 10.5 जितना हो गया, तो लगभग ये हमारी बाजू बराबर हो जाएगी। और हमें 12.5 है हमारा नाप, तो 12.25 हम ले लेंगे, तो यहाँ पे 12.25 पर निशान हो गया। और फिर हमें 1.5 इंच जितनी मार्जिन एक्स्ट्रा रखनी है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी, और इस निशान से इस निशान को हम मिला लेंगे। तो ये हमारा मिला के हो चुका है, अभी हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये अंदर की साइड कटिंग करनी है, जो आगे के भाग में बाजू लगेगी वो कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने पहले से निशान लगा दिया। तो इस तरह से आपको इस निशान से ये कटिंग करनी है, तो ये अभी हम कटिंग नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। देखो मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, और इसका नाप लेने जा रहे हैं हम, तो इसका नाप है 14.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पे ले लिया, और 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए, तो हो गया हमारा 15.5 तक निशान। और यहाँ पे हमें 12.5 इंच पे निशान है, तो हम यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 6 इंच पे निशान लगा के। और यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है तो हम 7 पे भी ले सकते हो, लेकिन मेरा 6 पे ले रही हूँ, बराबर होगा। और फिर इस निशान को हमें आपको 37.5 इंच, तो हमें 9.25 पे निशान लगाना है, यहाँ देख सकते हो 9.25 पे निशान लगा दिया है, और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। और यहाँ पे हमारी 32 इंच है छाती, तो 32 है, तो 8.25 पे निशान लगा दिया, ये हो गया 8.25। और 1 इंच आपको पता ही होगा, टक्स सब भरते हैं पीछे की साइड में, बैक साइड में, तो ये टक्स के लिए हो गया 1 इंच निशान। और फिर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा एक्स्ट्रा। अभी हम इन सब निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1.5 इंच बढ़ा के। और फिर इस सब लाइन को खींचना है, तो इस तरह से मैं लाइनिंग को मिला रही हूँ। अगर स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें 1 इंच जितना लेना है, तो 1 इंच ले लिया हमने, और इस निशान से इस निशान को गोलाई देनी है। तो इस तरह से ये हमारी गोलाई लेकर हो चुकी है, और इस निशान को भी हमारा मिलाना बाकी था, तो ये भी मिला देते हैं हम। तो दोनों निशान हमारे बराबर ही आ रहे हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है, वो 2.5 इंच पे निशान लगाना है गले के लिए, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ गले के लिए, तो ये हो गया 2.5 इंच पे। और यहाँ पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा 36 इंच की कमर है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच, नहीं तो आपकी कम कमर हो तो आप छाती कम हो तो आप 5.5 लगाओ, अगर छाती आपकी 37 इंच है तो आप 6 पे निशान लगाओ गले के लिए।
तो ये मैंने 6 पे कर, इस निशान से इनको सब लाइनों को इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो ये हो गई लाइन खींच के, और यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। तो ये हो गया हमारा 1 इंच पे, और फिर हमें इस तरह से मार्जिन को इस तरह से करना है, और यहाँ से आपको कपड़ा कटिंग कर लेना है। लेकिन इसमें मुझे, मैं डिजाइन बनानी है तो मैं कटिंग नहीं करूँगी डायरेक्ट इसमें। यहाँ पे मैंने डाइन स्किल पे निशान लगा दिया है, ये हमारे नीचे की पट्टी होती है उसके लिए मैंने डाइन पे निशान लगा दिया है। और फिर यहाँ से हमें 5.5 पे निशान लगाना है। तो ये हो गया हमारा 5.5 पे निशान, और यहाँ पे भी हमें 5.5 पे, फिर यहाँ पे हमें 4.5 पे निशान लेना है। तो ये हमारा 4.25 पे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि छाती ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। और इस निशान को हम मिला देंगे, तो इस तरह से ये मिला के हो चुका है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमें पहले ये आड़िया बोलते हैं उसको मैं निकाल देती हूँ। अच्छे से रख देना है आपके हिसाब से। तो मैं इसको कटिंग करके ले लूंगी। पहले कटिंग हो चुका है, यहाँ पे हमारी कटोरी के हिसाब से हमें इस तरह से इसके ऊपर मार्जिन कर देना है। तो ये देख सकते हो मैंने मार्जिन कर दिया है, और अभी इसकी मार्किंग कटिंग इस नीचे की तरफ मार्कर चली जाएगी, हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा तो निशान नहीं आ रहा है, यहाँ पे नीचे आया तो मैं इसके हिसाब से ले रही हूँ। 1 इंच आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाना है, और फिर 1.5 इंच इस तरफ। तो 1.5 इंच मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये हो रहा है बराबर। और फिर इस निशान को इस निशान से हमें स्केल से सीधा कर देना है। तो ये हो गया, आप देख सकते हो ये हमारी परफेक्ट टोकी बन चुकी है। अभी हमें इसमें एक्स्ट्रा का मार्जिन लगाना है जो हमें सिलाई में आएगा। पहले अभी हम इसको बराबर कर देंगे, तो इस तरह से हमें नाप ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7 इंच लगभग, तो 3.5 पे हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 पे लगा दिया, और इस निशान को यहाँ से इस तरह पे मिलाना है, और यहाँ पे इस निशान को वैसे के वैसे रहने देना है। तो ये हमारा 20 का निशान निकल चुका है। अभी हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमें खाली 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ, और फिर आपको यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये हो गया 1.5 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है। हम बीच वाली भी मार्जिन साथ में करते जा रहे हैं, और यहाँ पे 2.75 पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे 2.75 पे हम निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देनी है, क्योंकि ये बीच में निशान है, इसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा देनी है। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पे भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ले लिया, और यहाँ पे भी हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमें इससे धीरे धीरे इस निशान को इस तरह से मिलाना है। यहाँ से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, खाली यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते इस तरह से आपको जाना है। और यहाँ पे सिलाई के लिए भी थोड़ा सा बढ़ाओगे तो भी चलेगा, नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही ले रही हूँ, और इस निशान को मिला रहे। ये हो गया हमारा कटोरी। मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसके हिसाब से, आपका भी कपड़ा कम पड़े तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अभी अगर आप नए नए ब्लाउज सीख रहे हो,
आप नहीं पहले ब्लाउज नहीं सिलते थे, अभी भी नए नए सीख रहे हो, तो आप कपड़े में डायरेक्ट नई कटिंग करोगे, आप पहले पेपर कटिंग करोगे या फालतू वेस्ट कपड़े में कटिंग करके फिर आप इस पे कपड़े को रख के फिर आप कटिंग करना। हमारी कटोरी हो गई है कटिंग करके रेडी। ये हमारे इसमें से अभी नीचे की पट्टी रहती है वो निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे 11 इंच चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा जॉइंट लगा दूँगी, तो मैं 10.5 पे निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिया, और 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, और यहाँ पे हमें 3 इंच निशान लगाना है। तो पहले मैंने सारे निशान लगा दिए, अभी मैं इस निशान को किस तरह से मिलाती हूँ, पहले 3 इंच वाले निशान को लंबी लाइन खींच के इस तरह से, फिर ये 4 इंच वाला निशान है इसकी लंबी लाइन खींच देंगे, फिर आपको इस तरह से इस निशान को मिलाना है। तो ये हो गई आपकी पट्टी, तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है सिलाई में, तो मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँगी, 3.5 जितनी बढ़ा दूँगी, और यहाँ पे इस तरह से अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। पीछे की पट्टी भी कटिंग हो चुकी है। यह हमारा ब्लाउज पीस है, तो मैंने इसकी डबल फोल्ड कर दी है पहले। आपको अगर 37 इंच का ब्लाउज सिलना है तो आप उसके लिए पूरा मीटर कपड़ा लेना चाहिए, कम नहीं होगा। ये मैंने अस्तर को बराबर रख दिया है कपड़े के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बाजू रख दी है, मुझे बाजू में ज़्यादा डिजाइन लेनी थी, और यहाँ पे मैंने पीछे का साइड का, और यहाँ पे ये पाँचों भाग आ चुके, 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, आप देख सकते हो इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 1/2 इंच लगभग आपको कटिंग में एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, बाद में इसको सिलाई के बाद निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको बाद में निकाल के आपको बताऊँगी। कटिंग पकड़ने के बाद आपको अभी सिलाई करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो आपको इस तरह से सभी भागों को फोल्ड करना है, फिर ये देख सकते हो मैंने इनको भी फोल्ड किया, फिर इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और इसके बाद सबसे ऊपर हमें बाजू को रख दिया है इस तरह से फोल्ड करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जॉइंट डालना पड़ेगा, और फिर इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके बांध दूँगी।